गुरुद्वारे में किया गया छबील का आयोजन। पांचवें गुरु की याद में किया गया आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। गुरु की शहादत को किया याद। पलवल में गुरुद्वारा सिंह सभा में आज पांचवें गुरु अर्जुन देव की स्मृति में छबील का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने लिया भंडारे और ठंडा शरबत का प्रबंध किया गया। पलवल के गुरुद्वारे सिंह सभा में मार्ग रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने आज छबील का आयोजन किया गया। वहां पर उपस्थित जब ज्ञानी जी ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज के दिन पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहीद किया गया था। उन पर मुगलों द्वारा बहुत जुल्म किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें आज ही के दिन शहीद किया गया था। आज उन्हीं की याद में यह छबील का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया, बाकी हर साल की तरह इस बार भी और आने वाले समय में भी गुरु की याद में यह कार्यक्रम इसी तरह के चलता रहेगा। छबील में लोगों के लिए भंडारा और ठंडे शरबत का प्रबंध किया गया। ये किस मकसद से हो रहा है? अज के दिन साढ़े पंजे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने शहीद किया गया से जी और कितन के दिखा करके उन्होंने बहुत ही जुलम किए गए सन। उन्होंने याद में समर्पित करते हुए अज का दिन साढ़े गुरुद्वारा साहब के विशेष तौर पर दीवान सजाए गए सन। उन्होंने याद में समर्पित कि अज के दिन ठंडे जल की सेवा की जाती है जी। यह हर साल की तरह साबित की जा रही है जी और आने वाले कई साल तक चलता रहेगा जी। जी मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ ना, चला दे आदो को समझ। आज के दिन साढ़े पंजे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शहीदी प्राप्त की। मुगलों ने तकियां लोहां से बिठाया, बड़े जुलम किए पर अपने अडोल रहे, मुँह च ही बोलते रहे तेरा पाना मीठा लागे हर ना पजार के ना नमाने। मियां मीर जी ने आए कहते सानू एक बार तुम हुक्म दो असी लाहौर की प्रणाली ट्रांसफर कर देंगे, पर उन्होंने कहा शांति रखो अपना भाणा मीठा करके मनो। असी गुरु अर्जन देव जी ने बहुत तसीहे पाए, उन्होंने तकियां लावा से बिठाया, सिर ती रेता बिठाई पाई, फिर पानी के बीच उन्होंने नदी के जिनकी देख रेख में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। दिलजीत सिंह जी आप बताइए कि आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है और क्या मकसद है और क्यों मनाया जाता है? आज के दिन श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपर्व है। अज के दिन वो शहीद करेंगे गुरु साहब, पंजवें गुरु अगे उन्होंने याद मनाया जा रहा है।